हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 देखेंगे। देखिए, पार्ट 8 वाला वीडियो में आज हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 1 से 4 तक एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा और 4, 5 से 8 तक, यानी 5, 6, 7, 8, ये चार क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यानी इस वीडियो में हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी कह रहा है ए 50 दिन में काम कर देगा, बी 75 दिन में काम कर देगा और सी अकेले 25 दिन में काम कर देगा। बोला वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई काम छोड़ देगा कुछ दिन बाद, कोई आ जाएगा कुछ दिन बाद, इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए सिंपल आसानी में पहले इसको बेसिक से समझिए कि कैसे बनाते हैं, फिर शॉर्ट कर लीजिए इसको, पहले सिंपल समझिए। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन खींच करके बना लीजिए कि ये एक काम है, कहा ये यहां से यहां काम है, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, यही वो काम मान लिए। अब बोला ये सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक क्या होगा, एक साथ। तो मान लीजिए 4 दिन तक, यानी यहां से यहां जब गया, यहां से यहां, तो क्या हुआ, 4 दिन तक काम हुआ। कौन कौन के लिए 4 दिन तक, तो ए बी और सी सभी, यानी तीनों मिलकर ये काम को 4 दिन तक किया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ता है। अब बताइए, यहां तक तीनों मिलकर काम किया, इसके बाद सी काम नहीं करेगा तो आगे कौन काम करेगा, तो ए और बी काम किया होगा। तो ए और बी काम किया होगा आगे और काम समाप्त हो गया होगा। तो यहां से यहां कितना दिन काम चला होगा, नहीं पता है, तो मान लीजिए कितना दिन, एक दिन। यहां से यहां कितना दिन, एक दिन। यानी ए बी सी पहले ये 4 दिन तक काम किया, तो यहां तक काम किया होगा, फिर यहां से सी काम नहीं किया, कौन किया, ए और बी, तो कितना दिन, एक दिन किया होगा और काम समाप्त हो गया होगा। अब यहां से कह सकते हैं कि पूरा काम को देखते हैं जब, तब ए कितना दिन काम किया होगा। देखिए, ए इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 4 दिन और एक दिन, यानी कितना दिन किया होगा, एक्स प्लस 4 दिन तक काम किया होगा। यानी ए कितना दिन काम किया है, एक्स प्लस 4 दिन। बी को देखते हैं तो बी कितना दिन काम किया होगा, तो बी भी 4 दिन और एक दिन, यानी कितना दिन, एक्स प्लस 4 दिन, कितना दिन, एक्स प्लस 4 दिन। और सी कितना दिन काम किया होगा, देखिए सी सिर्फ इसमें है, कितना दिन, 4 दिन, इसमें नहीं है, यानी कितना दिन काम किया, 4 दिन किया है। यानी कह सकते हैं ए एक्स प्लस 4 दिन तक काम किया, बी एक्स प्लस 4 दिन तक काम किया और सी 4 दिन तक काम किया, तो क्या हुआ, काम समाप्त हो गया। अब लगाइए इधर काम, ठीक है, इधर लगाते हैं। तो देखिए दिया है ए एक काम को अकेले 50 दिन में कर सकता है, ए पूरा काम को अकेले 50 दिन में कर सकता है। बताइए ए एक काम को 50 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/50 भाग, एक दिन में 1/50 भाग, लेकिन काम किया ए कितना दिन, x प्लस 4 दिन। बताइए ए x प्लस 4 दिन में कितना भाग काम कर लेगा, तो ए करेगा x प्लस 4/50 भाग, एक दिन में 1/50 भाग, तो x प्लस 4 दिन में कितना भाग, x प्लस 4/50 भाग, ये कौन किया, ए किया। अब बी देखिए, बी पूरा काम को 75 दिन में करता है, बी पूरा काम को 75 दिन में, तो बताइए बी पूरा काम को 75 दिन में, तो एक दिन में कितना भाग, 1/75 भाग, लेकिन बी काम कितना दिन किया है, तो x प्लस 4 दिन, तो x प्लस 4 दिन में कितना भाग, x प्लस 4/75 भाग। अब सी का देखिए, सी पूरा काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग, 1/20 भाग, एक दिन में 1/20 भाग, लेकिन सी काम कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन में कितना भाग, 4/20 भाग, 4/20 भाग। और तीनों भाग को जोड़ेंगे, यानी ए द्वारा किया गया काम, बी द्वारा किया गया काम और सी द्वारा किया गया काम, ये तीनों को जोड़ लेंगे टोटल काम, और टोटल काम कितना मानते हैं दिन में, 1, कुल काम कितना, 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान आएगा, देखिए यहां से काटेगा 4/20, तो ये हो गया 1/5, 1/5 इधर जाके घटेगा एक में से, तो कितना हो जाएगा, 4/5। और इधर लीजिए एलसीएम, तो 75 और 50 का एलसीएम लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 150, 75 50 का गुणनफल 150,
ये 50 × 150 ये हो जाएगा 3x प्लस 12 और ये 75 × 150 यानी 2x प्लस 8। अब देखिए ये कटेगा यहां से 30 × 25 150 तो 30 × 4 कितना हो जाएगा 120 और यहां जो 3x और 2x 5x। अब 120 में से 12 × 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 यानी x बराबर कितना आ गया 20 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो कह रहा बचे हुए काम को a तथा b कितना दिन में करेगा, तो ये बचा हुआ काम यही काम था बचा हुआ काम ये बचा हुआ काम तो ये बचा हुआ काम a और b कितना दिन में किया x दिन में, x दिन का मान कितना 20 दिन यानी 20 दिन में करेगा, यही हुआ आंसर। आंसर यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए। इस तरह से बना लेंगे टोटल काम, एक लाइन खींचकर कर लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन किया और शेष काम सी नहीं किया कौन किया ए और बी किया तो कितना एक्स दिन, तो ए कितना दिन किया तो 4 दिन और एक्स दिन यानी एक्स प्लस 4 दिन, बी कितना दिन किया तो 4 दिन और एक्स दिन एक्स प्लस 4 दिन और सी कितना दिन काम किया सिर्फ 4 दिन। तो इतना इतना काम करा लिए सी का तीनों मिलकर काम करना एक काम ये कीजिएगा तो एक्स का मान आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं यानी करा ए अकेले काम करेगा तो एक काम को 6 दिन में कर देगा, बी अकेले करता है तो वही काम को 9 दिन में करता है और सी अगर अकेले काम करेगा तो वही काम को 18 दिन में करेगा यानी तीनों का समय दिया हुआ है। काम कैसे हो रहा है देखिए वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, देखिए ये वो काम बनाइए ये वो काम मान लेते हैं और ये सभी मिलकर कौन ए बी सी यानी ए बी और सी ये तीनों मिलकर मान लेते हैं एक दिन काम किया होता है, एक दिन में कितना काम किया होगा तो कुछ काम किया होगा तो मान लेते कहां तक यहां तक यानी ये काम था तो यहां से यहां तक एक दिन में काम किया कौन कौन ए बी सी। अब कह रहा है ए और बी काम छोड़ देता है तो ए और बी अब काम छोड़ दे कौन आगे काम करेगा तो केवल सी करेगा ए बी नहीं करेगा कौन करेगा सी, तो शेष काम को करने में कितना दिन तो ये शेष काम जो बचा है वो कितना दिन तो मान लेते हैं एक्स दिन, ये कितना दिन एक्स दिन और ये पहले कितना दिन एक दिन। तो बताइए ए कितना दिन किया है तो सिर्फ 1 दिन किया है एक दिन, बताइए ए पूरा काम को 6 दिन में काम किया एक दिन तो एक दिन में कितना भाग 1/6 भाग। अब देखिए बी के बारे में सोचिए तो बी कितना दिन काम किया है तो सिर्फ एक दिन, एक दिन में कितना भाग पूरा काम को 9 दिन में तो एक दिन में कितना भाग 1/9 भाग। अब सी को देखिए तो सी एक दिन यहां भी और एक्स दिन यानी कितना दिन एक्स प्लस 1 दिन तो पूरा काम को 18 दिन में तो एक्स प्लस 1 दिन में कितना भाग एक्स प्लस 1/18 भाग। अब तीनों को जोड़ेंगे यानी ए के द्वारा किया गया एक दिन में, बी के द्वारा किया गया एक दिन में और सी के द्वारा किया गया एक्स प्लस 1 दिन में, तीनों को जोड़ेंगे टोटल काम, टोटल काम कितना 1 के बराबर। देखिए पहले दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा 18, तो 6 × 3 = 18 9 × 18 यानी इसको सॉल्व किया जाए तो कितना जाएगा 5/18 और ये 5/18 इधर जाके घटेगा 1 में से तो कितना जाएगा 13/18 यानी कह सकते हैं एक्स प्लस 1/18 बराबर कितना 13/18 18 कट गया 1 जाके घटेगा यानी एक्स बराबर कितना 12। बताइए शेष काम यही बचा था एक्स, तो एक्स जो है एक्स बराबर कितना 12 दिन यानी शेष काम को सी कितना दिन कर देगा 12 दिन में कर देगा, कितना दिन में 12 दिन में, यही आंसर हुआ। ये कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर ऑप्शन सी। आइए तीसरा नंबर करा ए एक काम को 25 दिनों में, बी 40 दिनों में और सी 60 दिनों में कर सकता है यानी ए अकेले काम करेगा तो एक काम को 25 दिन में कर देगा, ए बी अगर अकेले काम करेगा तो उस काम को 40 दिन में करेगा और सी अकेले करेगा तो उस काम को 60 दिन में अकेले कर देगा, इन तीनों का समय मालूम हो गया। तीनों ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया बनाइए ये काम होगा मान लीजिए टोटल। अब तीनों तो कौन कौन ए बी और सी ये तीनों ने मिलकर काम किया होगा 5 दिन तक, कहां कहां तक काम किया होगा तो मान लेते यहां से काम किया यहां तक काम किया होगा 5 दिन में, कितना दिन में 5 दिन में, 5 दिन में ए बी सी। अगर काम समाप्त होने से 10 दिन पहले बी काम करना छोड़ दिया यानी काम जैसे समाप्त होने वाला था उसके ठीक 10 दिन पहले बी छोड़ दिया तो बताइए मानते हैं कि ये जो काम बचल होगा यहां से यहां ये 10 दिन का काम बचल होगा कितना दिन का 10 दिन का, ऐसे बी नहीं किया है
ये जो 10 दिन बचा हुआ है ये कौन नहीं किया है, बी नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए यहां से पहले समझिए कि ए काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने के 10 दिन पहले बी छोड़ दिया। देखिए 5 दिन बाद ए छोड़ा तो आगे कौन किया होगा, बी और सी किया होगा, और जब 10 दिन का ही काम बचा हुआ तो इसमें कौन नहीं किया होगा, तो बी नहीं किया होगा, यानी कौन किया होगा, सी किया होगा। तो यानी ए बी सी 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए छोड़ दिया तो कौन किया होगा, बी और सी, और जैसे 10 दिन का काम बचा होगा तो बी छोड़ दिया, यानी कौन किया होगा, सी। तो ये वाला भाग कितना दिन काम बचा होगा, ये वाला, तो ये नहीं बचा है, तो मान लीजिए मानते हैं एक्स, अगर ये नहीं पता है तो मानते हैं एक्स। तो यहां से कह सकते हैं ए कितना दिन काम किया है, तो 5 दिन, इसी में ना खाली ए, तो इसमें 5 दिन। बी कितना दिन काम किया है, तो बी 5 दिन और एक्स दिन, यानी कितना, एक्स प्लस 5 दिन। और सी कितना दिन, तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, यानी 10 दिन और 5 दिन, 15 दिन और एक्स दिन, यानी एक्स प्लस 15 दिन। चलिए ए बी सी को तीनों को काम कराइए, तो ए काम किया 5 दिन, तो 5 दिन में कितना भाग, तो पूरा काम को 25 दिन में, तो 5 दिन में कितना भाग, 5/25 भाग। बी को देखिए पूरा काम को 40 दिन में, तो 1 दिन में कितना भाग, 1/40 भाग, लेकिन काम कितना दिन किया बी, तो एक्स दिन और 5 दिन, यानी एक्स प्लस 5 दिन, एक्स प्लस 5/40। और सी कितना दिन काम किया, तो 10 और 5 15, यानी एक्स प्लस 15 दिन, एक्स प्लस 15 दिन में कितना भाग, बल्कि जबकि पूरे काम को 60 दिन में करता था सी, एक्स प्लस 15/60 भाग। तीनों भाग को जोड़ेंगे तो टोटल काम, टोटल काम कितना, 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको कटेगा 5/25, ये 1/5 इधर जाकर घटेगा तो कितना जाएगा, 4/5। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ से एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 120, 40 + 20 से, यानी 3x और 5 + 3 = 15, 7 × 2 = 120, यानी 2x और 30। देखिए इसको काटिएगा यहाँ से तो 24 × 5 = 20 से, और 24 × 4 कीजिएगा तो कितना जाएगा, 196। और ये हो जाएगा 3x और 2x = 5x, तो 5x = 96 माइनस 30 और 15 = 45, 30 + 15 = 45, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 96 से 45 घटाएंगे तो 6 में से 5 = 1, 9 में से 4 = 5, 51/5, यानी यहां से आ जाएगा कितना, 10 पूर्णांक 1/5। ये x का मान तो कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन, पूरा काम यहां से लेके ये पूरा काम, मतलब पूरा काम कितना दिन में लगा हुआ, यानी कुल समय पूछ रहा है, तो कुल समय कितना, तो ये 5 दिन, x का मान कितना, 10 पूर्णांक 1/5 दिन, और फिर कितना दिन, 10 दिन, यानी सबको जोड़िएगा तो 10, 10, 20, 5, 25, 25 पूर्णांक 1/5 दिन, यानी कुल काम को करने में कितना दिन लगा है, तो 25 पूर्णांक 1/5 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए नंबर। यहाँ क्या पूछ रहा है, कुल कार्य, कुल कार्य मतलब टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी 5, 1 और 10 जोड़ेंगे तो एक्स का मान कितना, 10 पूर्णांक 1/5, यानी सबको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 25 पूर्णांक 1/5 दिन। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो बनाइए, ए को काम लीजिए, ये मानते यहां से यहां तक क्या है, काम। देखिये 4 दिन पहले ए छोड़ा और 2 दिन पहले बी छोड़ा, और काम शुरू कौन किया था, तो तीनों, ए बी और सी, तो तीनों मिलकर काम शुरू किया होगा, तो कितना दिन काम किया होगा नहीं पता है, तो मान लीजिए एक्स दिन, ये तीनों मिलकर पहले एक्स दिन तक काम किया, और जब 4 दिन का ये क्या है, 4 दिन का काम बचा हुआ है, ये क्या हुआ, 4 दिन, तो 4 दिन पहले कौन छोड़ गया, ए और बी, यानी ये कौन काम किया होगा, तो बी और सी काम किया होगा, ये कौन किया होगा, बी और सी, तो 4 दिन, और 2 दिन का जब काम बचा होगा तब कौन छोड़ दिया होगा, बी, यानी आगे कौन किया होगा, खाली तो सी, तो ये 2 दिन का काम अकेले सी किया होगा, तो बी नहीं करा, और इसके ठीक आगे, तो देखिए यहां से यहां 4 और यहां से यहां 2, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन, तब यहां से यहां जोड़िएगा तो आएगा 4। देख लीजिए इक्वेशन सही रहा है, यहां से बनाइएगा तो कि ए बी सी तीनों मिलकर शुरू किया और यहां से यहां 4 दिन तक काम जो बचा हुआ था उसमें ए नहीं किया है, तो कौन किया होगा, बी और सी, और काम समाप्त होने के पहले 2 दिन छोड़ दिया है, पहले कौन, बी, यानी कौन काम किया होगा, सी, तो सी 2 दिन लास्ट में किया है, इसके फिर पहले 2 दिन काम किया, फिर उसके आगे एक्स दिन काम किया है, तो लगाइए ए कितना दिन काम किया होगा, तो एक्स दिन काम किया सिर्फ,
एक्स दिन में कितना भाग, एक्स बटा बीस भाग। बी कितना दिन काम किया है, तो बी किया है एक्स दिन और दो दिन, यानी एक्स प्लस दो दिन, तो एक्स प्लस दो दिन में कितना भाग, एक्स प्लस टू बटा तीस भाग। और सी कितना दिन काम किया है, दो दिन दो दिन चार दिन और एक्स दिन, यानी एक्स प्लस फोर दिन में कितना भाग, एक्स प्लस फोर बटा चालीस भाग। और तीनों भाग जोड़ेंगे तो टोटल काम, टोटल काम कितना, वन। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, एक सौ बीस, यहाँ से कीजिएगा बीस गुना छ, तो सिक्स एक्स, तीस चको बीस से तो चार, चार एक्स प्लस चार गुना आठ, और ये चालीस किया बीस थ्री, तो थ्री एक्स और प्लस चार किया बारह बराबर वन। इसको सॉल्व कीजिए तो छ चार दस, दस तो तीन तेरह, तेरह एक्स, तेरह एक्स, एक सौ बीस में से बारह आठ बीस घटेगा यानी कितना हो गया सौ, कितना हो जाएगा सौ। बताइए एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा सौ बटा तेरह, तेसठ इक्यानवे, यानी सात पूर्णांक नौ बटा कितना हो जाएगा तेरह, एक्स का मान है। तो कह रहा है पूरा काम समाप्त होने में कितना समय, पूरा पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी एक्स में दो और दो चार दिन जोड़ देना है, तो सात पूर्णांक नौ बटा तेरह में चार दिन और जोड़िएगा तो कुल कितना हो जाएगा, सात और चार ग्यारह, ग्यारह पूर्णांक नौ बटा तेरह दिन, यानी कुल कार्य को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, ग्यारह पूर्णांक नौ बटा तेरह दिन। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा से टाइप चेंज कर गया है, यहां से अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहां से पढ़ेंगे जो क्वेश्चन वो अल्टरनेट वाला रहेगा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आता है, एसएससी एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, जब मेंस लेवल का दीजिएगा तो और ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेंस में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को अकेले क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कह रहा है ए एक काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेले एक काम को 10 दिन में, और बी अकेले काम करेगा तो 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये कितना काम को, एक काम को, ये एक काम कह रहा है, ए आराम करके यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी पहला दिन ए काम करेगा, आराम कौन करता है ए, तो पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए करेगा तो चौथा दिन बी, फिर पांचवा दिन ए करेगा तो छठा दिन बी, इसी तरह से काम जाएगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए बारी बारी मतलब अल्टरनेट, एक एक दिन बीच करके मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए यहाँ कैसे बनता है, तो पहले का कीजिएगा कि जो भी समय दिया रहेगा उसको एलसीएम लेना है, जो भी समय दिया है उसको एलसीएम, तो समय है 10 और 15, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए पहले, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहां जाएगा 30, तो 30 जो आएगा इका दर्शाएगा टोटल काम, इसको क्या मान लीजिएगा टोटल वर्क, टोटल काम, तो टोटल काम आपका कितना हो गया 30, यही 30 काम कराना है, ये क्या हो गया 30 काम कराना है। देखिए ए जो था एक काम को 10 दिन में करा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटा 10 भाग काम करेगा, लेकिन कितना काम का, एक काम का, तो भाई 30 काम का कितना भाग काम करेगा, यानी ए अब एक दिन में 30 काम में से कितना काम करेगा, तो 30 काम को कराने के लिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करना है एलसीएम में दिन से भाग कर देना है, 30 बटा 10 कीजिएगा तो कितना आएगा 3, यानी 3 काम आ जाएगा, यानी कह सकते हैं ए 30 काम में से एक दिन में 3 काम करेगा, यानी ए जो है एक दिन में 30 काम में से कितना काम करेगा, 3 काम करेगा सिर्फ, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम में, 30 काम में, बताइए तो 30 बटा 15 यानी कितना आ जाएगा, 2 काम, 2 काम, यानी ए 30 काम में से एक दिन में 3 काम और बी 30 काम में से एक दिन में 2 काम करेगा। अब काम कैसे करना है इसे देखिए यहां पर, तो काम कर रहा था ए आरंभ करेगा और बारी बारी से एक एक दिन करेगा, यानी ए पहला दिन करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, इसी तरह काम जाएगा तो कितना दिन में खत्म होगा। देखिए इसको करने के लिए पहले समझिए कि यहां से कम कितना दिन ले ताकि सभी मजदूर काम पर शामिल हो जाए, यानी यहां से चुनना है आपको कि कम से कम कितना दिन कि सभी मजदूर को शामिल होना है, तो सभी मजदूर को शामिल होना है और कम से कम समय लेना है, यानी कम से कम कितना दिन, 2 दिन। देखिए 2 दिन में दोनों मजदूर आ गया है, यानी कम से कम 2 दिन का काम निकालेंगे पहले, तो 2 दिन में
ए कितना दिन करेगा, तो दो दिन में सिर्फ ए एक दिन कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम, तीन काम कर रहा है। और बी को देखिए, दो दिन में कितना दिन, सिर्फ एक दिन, दूसरा दिन, तो एक दिन में कई काम, दो काम, तो दो काम करेगा। यानी दोनों मिलकर दो दिन में कितना काम, तीन दो पांच काम, पांच काम। देखिए दो दिन में दोनों मिलकर पांच काम किया है, लेकिन काम करना कराना है तीस काम, तो यहां आप पांच में कितना से गुना करेंगे, तीस आ जाए, तो छह से गुना कीजिए, तो छह इधर से गुना करेंगे तो इधर भी छह से, यानी छह दुनी बारह, तो छह पच्चे तीस, यानी बारह दिन में तीस काम समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल काम तीस जो था वो समाप्त हो गया, लेकिन कितना दिन लगा, बारह दिन। यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। तो एक बार और समझ लीजिए क्या क्या करना है। पहले तो जो भी दिया गया समय है उसका एलसीएम निकाल करके, और एलसीएम में समय से भाग करेंगे तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। देखिए इतना बनाना नहीं रहेगा, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें खाली एक कैलकुलेशन यहाँ पर इसी से निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतना ही से, इतना करने का जरूरत नहीं रहेगा, ये प्रैक्टिस से होता है। तो देखिए क्या करना है, पहले एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम से समय से भाग कर देना तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। अब यहां से चूज कीजिएगा कि कम से कम कितना दिन ले ताकि सभी मजदूर काम पर शामिल हो जाए, तो कम से कम यहाँ पर दो दिन, दो दिन में ए एक दिन काम किया तो एक दिन में तीन काम, और दो दिन में बी एक दिन काम किया यानी दो काम, तो तीनों दो पांच काम, तो पांच काम किया है दो दिन में दोनों मिलकर, तो छह से गुना करेंगे तो तीस आ जाएगा, तो इधर भी छह से गुना यानी बारह दिन में तीस काम समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः सात और आठ दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए कार्य आरंभ करता है, यानी चालू कौन करता है, ए। देखिए समय कौन कौन है, सात दिन और आठ दिन, तो सात और आठ का एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा, छप्पन, यही छप्पन का भी आपका काम आ गया। अब ए एक दिन में कितना काम कर देगा, छप्पन काम में से कितना काम, तो छप्पन भागा सात कीजिएगा तो कितना आएगा, आठ काम, कितना आएगा, आठ काम। और बी को कीजिएगा एक दिन में, तो छप्पन भागा आठ कितना आएगा, सात काम, कितना, सात काम। अब ए शुरू करेगा और अल्टरनेट रूप से करेगा, तो ए एक दिन फिर बी, फिर ए फिर बी, इसी तरह, तो कम से कम कितना दिन लेना है, दो दिन, दो दिन में दोनों शामिल होता है, कम से कम दो दिन, तो भाई दो दिन कम से कम, तो दो दिन में काम कराइए कितना काम होता है, तो दो दिन में ए कितना दिन करेगा, तो सिर्फ एक दिन, तो एक दिन में कई काम, आठ काम, आठ काम। और दो दिन में ये देखा, दो दिन में बी कितना दिन, सिर्फ एक दिन, तो एक दिन में कई काम, सात काम, तो जोड़ लिए यानी आठ सात पंद्रह काम, यानी दो दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लिया, पंद्रह काम, और काम कितना कराना है, छप्पन। बताइए इसके नजदीक ले जाने के लिए कितना से गुना करना होगा, देखिए चार से गुना कीजिए तो पंद्रह चार को साठ, ज्यादा हो जाएगा छप्पन से, तो कितना से गुना करना होगा, तीन से, पंद्रह गुना तीन, तो यहां भी तीन से, यानी छह दिन जब लगा तो कितना काम हुआ, पैंतालीस काम हो गया। बताइए छप्पन काम कराना था और पैंतालीस काम हुआ, तो शेष कितना बचा होगा, शेष कितना बचेगा, तो छप्पन में से पैंतालीस घटाइए, छप्पन माइनस पैंतालीस, यानी कितना जाएगा, नौ काम, कितना, नौ काम। देखिए छह दिन हो गया है और नौ काम को और कराना है, तो अगला दिन करने के लिए कौन आएगा, तो ए आएगा, छह दिन के बाद सातवां दिन कौन आएगा विषम संख्या में, तो ए आएगा। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम, आठ काम, तो नौ काम बचा है, ए को एक दिन और काम करा लेते हैं, तो आठ काम और हो गया, तो एक दिन और हो गया, तो आठ काम हो गया, नौ में से आठ काम हो गया, तो बचा कितना, एक काम। तो ई एक काम को करने के लिए अगली कौन आएगा, तो बी आएगा, तो बी के काम से भाग कर दीजिएगा, यानी ये शेष अब भागा में जो काम करेगा उसके काम से भागा, ठीक है, जो काम करेगा उसके काम से भागा, यानी कितना जाएगा, इतना दिन आओ, तो छ एक सात, सात पूर्णांक एक बटा सात दिन लगेगा, कितना दिन, सात पूर्णांक एक बटा सात दिन। देखिए तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहां तक तो समझ गए, यहां समझने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए छह दिन में पैंतालीस काम हो रहा था, छह दिन में पैंतालीस काम, तो बताइए कि शेष काम कितना बचा, तो छप्पन में से पैंतालीस घटाएगा, नौ काम, इन नौ काम बचा है, छह दिन हो गया है और नौ काम बचा हुआ है, तो नौ काम करने के लिए अगली कौन आएगा, तो ए आएगा। बताइए ए एक दिन में कितना काम करा था, आठ काम, तो एक दिन और काम करा दिए, एक द्वारा एक दिन और काम करा दिए, ठीक है, एक दिन और काम करा दिए। बताइए नौ काम में से आठ काम कर दिया ए एक दिन में,
तो अब कितना काम बचा होगा, एक काम, तो शेष एक काम अभी कौन करने के लिए आएगा, बी आएगा, तो बी का काम करना सात, तो काम से भागा तो सात से भागा, यानी छ एक सात, सात पूर्णांक घटा सात दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर है कि ए बी सी एक कार्य क्रमशः 40, 60, 120 दिन में कर सकते हैं, यानी 40 दिन में ए करेगा, बी 60 दिन में करेगा और सी 120 दिन में करेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करता है, यानी हर तीसरा दिन कौन सहायता करेगा, बी और सी। देखिए पहले क्या करना है, पहले आपको दिए गए समय का एलसीएम निकालना है, बताइए 40 60 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा यहां से, तो 120 एलसीएम आ जाएगा, और 120 एलसीएम का दर्शाएगा टोटल वर्क, ये क्या दर्शाएगा टोटल वर्क दर्शाएगा, टोटल वर्क कितना 120, जो एलसीएम निकाल के आएगा वही टोटल वर्क, यानी आपको काम कितना कराना है 120 काम कराना है। अब क्या कीजिएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो दिन से भागा करना है, ठीक है, काहे भागा करना है इतना मत समझिए, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो इतना याद रखिएगा क्या करना है, भागा कर देना है, तो 120 में 40 से भागा कीजिएगा, ठीक है, 120 में 40 से भागा तो कितना जाएगा तीन, यानी ये तीन काम करेगा, ए 120 काम में से एक दिन में कितना काम, तीन काम करेगा। अब बी को देखिए, तो पूरा काम को सात दिन में करता था एक काम को, तो 120 काम को एक दिन में बी कितना करेगा, तो 120 भागा 60 यानी कितना दो काम, कितना दो काम, और 120 भागा 120 यानी सी कितना एक काम, 120 भागा 120 कितना एक काम, यानी ए 120 काम में से एक दिन में कितना काम, तीन काम, बी 120 काम में से एक दिन में कितना काम, दो काम, और सी 120 दिन में एक दिन में कितना काम, एक काम, सी तीनों का एक एक दिन का काम आ गया 120 काम में से, तीन काम दो काम एक काम। अब देखिए काम कैसे करना था, तो ए सब दिना करेगा और बी और सी जो है वो हर तीसरा दिन ए को मदद करेगा, यानी पहला दिन ए अकेले काम किया, फिर दूसरा दिन ए अकेले काम किया, और जैसे तीसरा दिन हुआ तो इसको मदद करने के लिए कौन कौन आ गया, बी और सी, फिर चौथा दिन ए अकेले करेगा, फिर पांचवा दिन अकेले करेगा, फिर छठा दिन जो आएगा वो कौन आएगा, बी और सी, ये देखिए ये तीसरा दिन, फिर ये तीसरा दिन, ऐसे ऐसे कह रहा है मदद करने के लिए आएगा बी और सी हर तीसरा दिन, यानी पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेले काम करता है और तीसरा दिन बी और सी उसके साथ काम करने के लिए आ जाता है। देखिए ए फिर ए फिर ए बी सी फिर ए फिर ए फिर ए बी सी, देखिए यहां से कम कितना दिन ले ताकि सभी मजदूर काम शामिल हो जाए, यानी कम से कम समय और तीनों को शामिल होना, यानी ए बी सी को भी, देखिए कम से कम अगर एक दिन लीजिएगा तो बी और सी छूट जा रहा है, फिर दो दिन लीजिएगा तब भी बी और सी छूट जा रहा है, यानी कम से कम कितना दिन लेना पड़ा है, तीन दिन, कम से कम अगर तीन दिन लेते हैं तो ए बी सी तीनों दिन तीनों शामिल हो गया, तो कम से कम कितना दिन का कार्य निकालना है, तीन दिन का, तो भाई तीन दिन में तीन दिन का कार्य निकालिए, तो तीन दिन में एक कितना दिन कर रहा है, तो पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, यानी ए तीनों दिन काम कर रहा है, यानी ए तीन दिन में कितना दिन, तीनों दिन, बताइए तो एक दिन में तीन काम करेगा तो तीन दिन में कितना काम करेगा ए, तो तीन किया नौ काम करेगा, यानी ए एक दिन में तीन काम तो तीन दिन में कितना काम, नौ काम। बी को देखिए, तो बी तीन दिन में कितना दिन, सिर्फ एक दिन कहिया तीसरा दिन, तो एक दिन किया सिर्फ बी, तो बी एक दिन में कितना काम, दो काम, और सी तीन दिन में एक कितना दिन, तो सिर्फ एक दिन कहमा तीसरा दिन काम कर रहा है, एक दिन, तो एक दिन में कई काम, एक काम, यानी ए तीन दिन में नौ काम, बी तीन दिन में सिर्फ एक दिन किया है तो दो काम, और सी तीन दिन में सिर्फ एक दिन काम किया है तो एक काम, सबको जोड़िए 9, 2, 11, 11, 12 काम, यानी तीनों मिलकर तीन दिन में काम देखें तो 12 काम कर लिया है, काम कितना कराना है 120, काम कितना कराना है 120, तो 120 ले जाने के लिए 12 में कितना से गुना करना होगा, तो 10 से, तो इधर 10 से गुना तो इधर भी 10 से गुना, यानी 10 + 30 तो 12 दही 120, यानी 30 दिन में 120 काम हो जाएगा, और काम भी कितना कराना है 120 काम कराना था, यानी आंसर कौन आएगा 10 + 30 दिन, आंसर कौन जाएगा 10 + 30 दिन आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, दो तीन का स्टेप है, वो दो तीन स्टेप को समझ जाइए, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो।
तो पहले एलसीएम और एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क, और एलसीएम में समय से भागा तो एक एक दिन का काम। अब यहां देखना है कैसे काम कर रहा है, तो कम से कम कितना दिन लेंगे ताकि सभी मजदूर काम पर शामिल हो जाए, तो यहाँ के लिए ले रहे हैं कम से कम 3 दिन। 3 दिन में एक तीनों दिन काम किया है तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम, 9 काम। बी 3 दिन में सिर्फ 1 दिन किया है, तीसरा दिन, तो 1 दिन में 2 काम, तो 2 काम। और सी 3 दिन में सिर्फ 1 दिन, 1 दिन मतलब सी 1 दिन, तीसरा दिन, तो 1 दिन में कई काम, 1 काम, 1 काम। 9 2 11 12, यानी तीनों मिलकर 3 दिन में 12 काम। काम करना करना है 120, 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, यानी 30 दिन में 120 काम समाप्त हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 30 दिन। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। चलिए पहले क्या करना है, काम निकालना है, तो टोटल वर्क कितना, तो 10 15 और 20 का एलसीएम, 10 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60, ये क्या जाएगा 60, यही हो गया आपका काम, टोटल काम, यानी काम करना करना है 60 काम। अब टोटल काम में दिन से भागा तो 1 दिन का काम निकलेगा, तो 60 भागा 10 यानी कितना, 6, यानी ए 1 दिन में 6 काम करेगा, कितना काम में से, 60 काम में से। बी 60 काम में से कितना दिन, 1 दिन में कितना काम करेगा, बी तो 60 भागा 15 यानी कितना, 15 चको 60, 4 काम करेगा। और सी 60 काम में से कितना काम करेगा, तो 60 भागा 20 यानी 3 काम करेगा, यानी ए 6 काम करेगा 60 काम में से, बी 4 काम करेगा 60 काम में से, और सी 3 काम करेगा 60 काम में से, सिर्फ एक एक दिन में। अब काम कैसे करा है, तो करा है, तो बताएं कि बी और सी अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए ए काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, जबकि बी और सी अल्टरनेटली रूप से ए को सहायता करता है। अल्टरनेटली मतलब क्या हो जाएगा, 1 दिन बीच करके, यानी क्रमशः। तो देखिए ए को 1 दिन अगर पहला दिन बी मदद किया है, तो अगला दिन ए को कौन मदद करेगा, सी करेगा। फिर अगला दिन ए को बी मदद करेगा, तो फिर अगला दिन ए को कौन करेगा, सी मदद करेगा। फिर ए को अगला दिन बी करेगा, फिर अगला दिन ए को सी करेगा। इसी तरह से कितना दिन में काम समाप्त होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए ये बन गया सीरीज कि काम के बाद ए सब दिना काम करेगा, लेकिन पहला दिन बी मदद किया तो अगला दिन सी, फिर उसके बाद बी मदद करेगा उसके बाद सी, फिर बी, फिर सी, इसी तरह से क्रम जाते रहेगा, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा यही देखना है। तो चलिए यहां से निकालिए कम से कम कितना दिन ले कि ताकि सभी मजदूर काम पर शामिल हो जाए। सभी मजदूर कौन कौन, ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को शामिल कर लेना है, तो कम से कम कितना दिन, 2 दिन। देखिए 2 दिन में ए बी सी आ गया, ए बी सी कोई 2 बार भी आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों को आना जरूरी है, जो भी काम कर रहा है उन सभी को आना जरूरी है, और कम से कम समय लेना है, तो कम से कम 2 दिन, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, तो 2 दिन में तीनों को शामिल हो गया, तो कम से कम 2 दिन का कार्य निकालिए, कम से कम 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन में निकालिए, 2 दिन में। तो 2 दिन में ए को देखिए कितना दिन काम कर रहा है, तो ए दोनों दिन काम कर रहा है, दोनों दिन बताइए, ए 1 दिन में 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम, तो 6 दिन की 12 काम। अब बी को देखिए, बी ई 2 दिन में कितना दिन, तो सिर्फ 1 दिन, 1 दिन, तो 1 दिन में कई काम, 4 काम, तो 4। और सी ई 2 दिन में सिर्फ कितना दिन, तो 1 दिन, दूसरा दिन, 1 दिन, तो 1 दिन में कई काम, 3 काम, 3 काम, तो सबको जोड़िए 12 4 16 16 3 19 19 काम। यानी देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम, 19 काम, लेकिन काम कितना कराना है, 60 काम। बताइए 60 को नजदीक ले जाने के लिए कितना से गुना, 3 से, तो इधर भी 3 से, यानी देख रहे हैं 6 दिन में, 6 दिन में कितना काम हो गया, 57 काम हो गया। तो शेष कितना बचा हुआ काम, तो शेष काम बचा कितना, 60 में से 57 घटाइएगा तो 3 काम, शेष काम कितना हो गया, 3 काम। तो चलिए आंसर लिखते हैं, तो 6 दिन हो गया है, ठीक है, ये 3 काम करने के लिए शेष काम को कौन आएगा, तो ए और बी आएगा, ठीक है, ए और बी, ए और बी शुरू से, तो ए और बी बताइए 1 दिन अगर ए और बी काम करता है तो कितना काम करेगा, तो 6 काम और 4 काम, 10 काम, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम, 10 काम, लेकिन काम कितना बचा है, 3 काम। तो कैसे लिखेगा, तो ऊपर में लिखेगा शेष और बट्टा में जो करने के लिए आएगा उसके काम से भागा, तो कौन आएगा, ए और बी, तो 6 और 4 10, ये 10 से भागा,
तीन बटा दस दिन और लगेगा शेष काम को, यानी कितना लगा, छह पूर्णांक तीन बटा दस दिन, दस दिन, यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए नंबर। देखिए यहां समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहां समझना आपको बहुत जरूरी है। ये जो शेष को लिख रहे हैं ये, तो कैसे, तो शेष बटा में जो काम करेगा उसके काम से भागा। तो देखिए छह दिन में संतावन काम हो गया, शेष कितना हो जाए तीन काम, तो शेष तीन काम, तो शेष लिखे ऊपर में तीन काम। अभी काम करने के लिए कौन आएगा, तो आंख मुन के शुरू से कीजिएगा, तो शुरू में कौन है, ए और बी, तो ए और बी करेगा। तो ए और बी अगर एक दिन काम करता है तो कितना काम खत्म करेगा, तो छह और चार दस काम खत्म करेगा। ये दोनों मिलकर एक दिन में दस काम खत्म करेगा, लेकिन काम बचल है तीन गो, तो क्या कीजिएगा, शेष बट्टा में जो करेगा उसके काम से भागा, तो छह चार दस, ए और बी के काम से भागा, छह चार दस, यानी छह पूर्णांक तीन बटा दस दिन लगेगा, यही आंसर आ जाएगा। तो शेष बटा जो काम करेगा उसके काम से भागा, आंसर।